अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। और आज की वीडियो में ना सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो इतने कल इतनी बड़ी बड़ी फेकम फाक की है ना, आज मैं प्रूफ के साथ में आपको दूंगी कि इसने इतना झूठ बोला है। और ये हर 2-4 दिन में, हर 6 महीने में बड़े बड़े झूठ बोलती है और सोचती है। जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग अंधे हैं, बहरे हैं और उनको अक्ल नहीं है। दिमागी तौर पे सारे के सारे पागल हैं। और जिस तरह से मैं बेवकूफ़ बनाऊंगी, उस तरह से वो लोग बेवकूफ़ बनेंगे, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ है, इसको ये लगता है। लेकिन आज है ना, मैं इसके सारे जो रह रह के जो ड्रामा करती है ना, अभी ये कौन सा आगे ड्रामा क्रिएट करने वाली है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये जो रह रह के एक 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 कॉन्टेंट लेकर आती है ना ड्रामे करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ और पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगी। इसके ड्रामे देखो, और इसके आने वाला कंटेंट ये है कि अब कौसर का कंटेंट तो चल नहीं रहा, ठीक है। तो ये अब घोंचू को प्रॉपर्टी के लिए, हर एक चीज के लिए जलील करवाएंगी, क्योंकि घोंचू की बहुत तारीफ हो गई। घोंचू को भी वैसे व्यूज नहीं आ रहे, सितारा को भी वैसे व्यूज नहीं आ रहे। इसको ये पता है कि कौसर और घोंचू इसके लकी चाम है। अगर ये इनको गंदा करती है, इनको गालियां खिलाती है ना, तो फिर इसको व्यूज आएंगे। अभी ये जो प्रॉपर्टी की बातें निकालेंगी ना, ये इसके वजह से साजिद और कौसर दोनों पीछे जाएंगे। ये बोलेंगी सारा कुछ उसके नाम पे है, कौसर नहीं करने दे रही मेरे नाम पे, मेरे छोटे बच्चे हैं, कौसर का तो कोई नहीं है, ये है वो है, ब्ला 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 करके ये अब ऐसे ऐसे करके कॉन्टेंट की तौर पे कौसर को फिर से लाना चाहती है। तो ये रह रह के जो अपनी मर्जी से ही ड्रामे करती है, कॉन्टेंट लेकर आती है ना, तो अब हम प्रूफ के साथ में ना इसके कॉन्टेंट को कहते इसी के मुंह पे दे मारेंगे ना, कि इसको समझ में आ जाएगा कि मेरे पिछले सारे है ना जो ड्रामे सारों ने याद रखे हुए, कोई इतना पागल नहीं है कि भूल जाएगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन वीडियो प्लीज पूरी देखना और इसके मुंह पे दे मारना कि ये सब ड्रामे है ना बीबी जी, तूने पहले कर चुकी है। बार बार एक ही चीज को लाके मत बेच मार्केट में, दूसरा कुछ बेच, खुद की इज्जत तो बेच ही चुकी है बेशरम। और इसके अलावा मैंने मुस्तफ़ा की प्रेगनेंसी, जहाँ पर मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, प्रेगनेंसी मैंने पूरी यहाँ पर गुजारी। इसके अलावा मेरे ताइबा के टाइम पे मैंने प्रेगनेंसी यहाँ पर गुजारी। तो सुना आप लोगों ने कि मतलब इतने है ना बहुत बार ये बात बोली है, और जब इतने सलमा को ट्रोल किया था ना, तब भी इतने यही कहा था कि इनसे एक मतलब कमेंट बर्दाश्त नहीं होते, मैं तो अकेली रही हूँ, मेरे बच्चे गांव में हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। ये बात इसने बोली थी कि मेरे बच्चे गांव में हुए हैं, कोई सहूलियत नहीं थी। जब कौसर का बच्चा गुजरा था तब भी इसने यही बात की थी कि मेरे भी बच्चे गांव में हुए, कोई सहूलियत नहीं थी यहाँ पे, ये नहीं था वो नहीं था, छोटे हॉस्पिटल में हुआ था। और फिर बाद में इसने ये कह दिया था कि डिलीवरी के टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था। और फिर देखिए आखिर में इसके मुंह से सच निकला ना कि 40 दिन तक के अम्मा ने इसको इतना संभाला है, मुस्तफ़ा को, इसके लिए अम्मा इसको बहुत प्यार करती है। मतलब ये जो झूठ बोल बोल चुकी है ना, बोल बोल के रखी है जो वीडियो इसने, झूठ बोल बोल के मुझे कोई नहीं देखता था, मेरी प्रेगनेंसी गांव में हुई थी, फिर डिलीवरी भी गांव में हुई थी, कोई सुविधा नहीं थी, गोंचू भी नहीं था, मैं अकेले दवा खाना जाती थी, मैंने ये की थी मैंने वो की थी, ये सब झूठे इतने ना बातें पहले कर चुकी। और अब कहीं ना कोई सीन पे इसके मुंह से सच निकल जाता है। और एक बात के इसने यही कल की ही वीडियो में इसने ये भी बोला कि कोई चाची के इधर गए थे, तो चाची ने 4 पाई गिफ्ट की थी तैयबा के लिए। मतलब के इसके सारे तीनों के तीनों बच्चे है ना कराची में ही पैदा हुए, लेकिन ये पहले ये बोल चुकी है कि गोंचू इसको देखता नहीं था, गोंचू इसकी केयर नहीं करता था, गोंचू खाली इसको प्रेग्नेंट करने के लिए गांव आता था, बाकी ये पूरी प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह सब कुछ ये अकेली निकालती थी। और गोंचू कराची में रहता था और वहाँ काम करता था। वो वाली वीडियो आपने सुनी होगी ना, जो इसका चुड़ैल वाला चैनल है उसके ऊपर इसने वीडियो डाली थी और अपनी कहानी बताई थी कि शादी के बाद में मेरे अब्बू ने कहा, गोंचू तू अकेले नहीं जा सकता है, इसको भी लेके जा, ये छोटी है। फिर हम लोग कराची आ गए थे, फिर गोंचू इसको खाना वाना बना के खिलाता था। याद आया आप लोगों को?
तो फिर ये अभी कैसे, ये वीडियो में जो इतने पुरानी वीडियो बनाई थी ना, ये वीडियो में इतने यही सब कहा था कि गोंचू इसकी केयर नहीं करता था, गोंचू इसको बिल्कुल नहीं पूछता था, गोंचू कभी इसके लिए नहीं सोचता था, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट करने आता था, और वो गांव में रहता था, शहर में रहता था, और ये अकेली गांव में इतनी सारी तकलीफें निकाली है, ये बात इतने पहले की थी। तो ये दोनों को क्लिप को आप लोग सुनिए और फिर आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी झूठी और मक्कार औरत है। और आगे भी सुनिए, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे झूठ बोले इतने, और मैं प्रूफ है ना इसके मुंह पे नहीं दे मारी ना, आप लोग सुनोगे तो आप लोग खुद कहोगे कि ये कितनी बड़ी चालाक लोमड़ी बनती है और एक नंबर की झूठी है। हॉस्पिटल जाना होता था डॉक्टर को चेकअप के लिए, वहाँ पर मुझे मिनटें करनी पड़ती थी, जहाँ पर कोई सवारी नहीं हुआ करती थी, कभी ऑटो में या कभी किसको बोल के, काशिफ भाई को या कभी किसको बोल के बाइक पे मुझे वहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाया करते थे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी किसी प्रेगनेंसी में मेरे साथ यहाँ पे कभी भी नहीं रुके थे। तो सुना आप लोगों ने, चुड़ैल वाली चैनल पे कहती है कि मैं साजिद के साथ थी, साजिद मुझे लेके आ गया था, मैं इतने साल से इधर हूँ, मैंने ये किया मैंने वो किया, और फिर यहाँ पे सिंपति के लिए इतने पहले क्या गेम खेला था कि साजिद कभी मेरी कोई प्रेगनेंसी में मेरे साथ नहीं रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, साजिद 6 महीने में एक बार आता था, और इस वीडियो में जो कल इतने वीडियो डाली है इसके अंदर इतने क्या कहा कि मेरे बच्चे कराची में पैदा हुए है, 40 दिन मेरी अम्मी ने संभाली है, चाची ने खाट दी थी गिफ्ट में, तो क्या साजिद वहां पे नहीं था जो इसने कहा कि मेरी कोई भी प्रेगनेंसी में मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं होता था, तो साजिद तो बल्कि कराची में ही काम करता था, और इसने खुद कबूल किया है कि इसको लेके भी गया था साथ में। तो फिर इतना ज्यादा झूठ बोलना और खुद के ही झूठ को खुद ही एक्सपोज करना, जो ये दूसरों को बेवकूफ समझती है ना, सबसे बड़ी बेवकूफ ये खुद है। मुझे एक बात करनी है, बहुत ज्यादा सबके ये सवाल ना मुझे सुनने को मिलता है कि सितारा आखिर क्यों चुप है, अपने रिश्तों पे क्यों नहीं बोलती, ये रिश्ता ऐसा वो रिश्ता ऐसा फला रिश्ता। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोलूंगी कि रिश्ता आज के जमाने में कौन सा रिश्ता परफेक्ट है, कौन सा रिश्ता ऐसे है जिसका हम बोले कि हाँ ये परफेक्ट है, ये सच्चा रिश्ता है, ये ऐसा है। इतनी सी आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे घर में क्या से क्या नहीं चल रहा था, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे मेहमान आते हैं, हमारे घर में कोई भी सिचुएशन हो कुछ भी हो, लेकिन हम उससे मुस्कुरा के सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं, और मेहमानों की मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया ना कि मेहमान नवाजी हम बहुत अच्छे से करते हैं, मेहमानों से मुस्कुरा के मिलते हैं, तो आगे गौर से सुनिए। मेरे घर पे यही चलता रहता है, बेल 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 ऐसे दिल करते, कभी कभी बेल को निकाल दो, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं मुझे पसंद करते हैं, मुझे मिलने आए हैं, और मैं और सब ये मुझे एक्सपेक्ट करके आती है कि सितारा फुल एनर्जी के साथ हमें मिलेगी, फुल अटेंशन देगी हमें, तो ठीक है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभार आप इंसान आपका मूड हर टाइम अच्छा नहीं हो सकता, और मैं कभी भी नहीं कहती आप सबको कि मैं 100% बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नाइस हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं नहीं बोलती, मैं हंसती। तो इसने ये वीडियो कुछ टाइम पहले बनाया था इसके लिए, ये बोलने के लिए कि मेरे दरवाजे कोई नहीं आया करे, मेरे से मेहमान नवाजी नहीं होती, और अभी इसने वाले क्लिप में क्या बोली, हम लोग मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आगे भी थोड़ी सी क्लिप और सुनिए। फिर भी मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ, कोई सफाई नहीं दे रही कि मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं नहीं हूँ परफेक्ट, मेरे अंदर पता नहीं कितनी खामियां क्या है, और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता हर लिहाज से। अच्छा, इसके घर पे ना एक चैनल वाली आई थी, और इसने ऐसी वीडियो ना एक बार नहीं बनाई है, बहुत बार बनाई है कि मेरे घर पे नहीं आया करो ये बोलने के लिए, और इसने बाबर दिलबर से भी बोलने लगाई है कि सबको मना करो कोई मेरे घर पे नहीं आने का, क्योंकि ये कॉल गर्ल है ना, क्या पता कोई आ जाएगा, और ये अपना लगी पड़ी है कस्टमर के साथ, तो कोई देख लेगा, तो इसके लिए ये हमेशा मना करती है सभी को कि मेरे घर पे नहीं आओ। तो इसने वो इंसान की ना बहुत बेइज्जती की थी जो इसके घर पे आई थी ना, अपने चैनल के लिए आई होगी, जाहिर सी बात है यार, छोटे मोटे चैनल वाले सोचते हैं कि अच्छा इंसान होगा, थोड़ा सी आ जाएगा वीडियो में, मेरा चैनल चल जाएगा, तो चले जाते हैं, खैर उनको भी नहीं जाना चाहिए ऐसे बेशर्मों के पास, तो उनकी भी गलती है। तो इसने उसके लिए वीडियो बनाई थी और बहुत बेइज्जती की थी, और फिर ये कहा था कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हर टाइम मेरा मूड अच्छा नहीं रहता है, और मैं कभी कौन से मोड़ में हूँ कभी कौन से मोड़ में हूँ, ऐसा लगता है कि बैल तोड़ के फेंक दूँ जब देखो जब आ जाते हैं। तो वो जो इसने मेहमान नवाजी वाली बात की है, वो बात को पकड़ो और ये बात को पकड़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा मेहमान नवाजी है कितनी बड़ी है। और जो इसने कल के वीडियो में इतनी फेकम फाक की है ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सब बर्दाश्त करती, मैं कभी किसी को कुछ जवाब नहीं देती, मैं ऐसी मैं वैसी, उसका भी आप लोग देख लीजिए, इतने पहले ही बता चुकी है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं नाइस नहीं हूँ, लेकिन अब बोल रही है मैं बहुत नाइस हूँ, तो उसकी भी असलियत दिखाते हैं। आगे देखिए। इसके अलावा कई बार आती है सितारा को रिश्तों की, पहले
पहचान नहीं है, फलां धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है, तो यकीन करो मुझे सब रिश्तों का पता है, अल्लाह मुझे सब दिखा देता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उसका भी फेस देख जाता है, उसका भी देख जाते हैं, सब पता है मुझे, लेकिन मुझे रिएक्ट करने से क्या मिलेगा? मतलब अगर कि मैंने किसी की आवाज सुन ली, किसी की वॉइस सुन ली, मैं तो कानों से सुनती हूँ, देखती हूँ, सब कुछ पता होता है, लेकिन उनको फील नहीं कराने देती कि मैंने ये सब सुना हुआ, मैंने ये सब सुना हुआ है। आगे मुस्कुरा के बात कर रही, एक अच्छा इखलाक होता है जो इंसान का इस दुनिया में जाने के बाद रह जाता है। अब जो मैं वीडियो बना रही, जो कुछ बना रही हूँ, इसको जमाना गुजरे, इसको कई साल गुजरे, इसको पता नहीं कितना जमाना गुजरे, और मेरी लाइफ इतनी नहीं है, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, कभी कोई भी सच है देखा है, कम से कम हमें अच्छे अल्फाजों में याद किया जाए कि हाँ वो बंदी किसी की बुराई करके नहीं रहेगी, तो मुझे यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करनी। और तो सुन लिया ना आप लोगों ने कि बिचारी ना किसी को फील नहीं कराती, कोई भी बात ऐसी नहीं करती जो किसी को बुरी लग जाए, बहुत अच्छी है। अभी इसने कहा ना कि रिश्तेदार सब हरामी है, कुछ ना कुछ इसको बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये कभी किसी को ऐसी कोई बात नहीं करती जो सामने वाले का दिल दुखे, इसको फील हो, क्योंकि इसका इखलाक बहुत अच्छा है। आगे सुनिए, आपको भी पता चल जाएगा, बहुत अच्छे इखलाक की औरत है। अंकल जी को इनवाइट किया जाए, अंकल जी प्लीज आप यहाँ आ जाएं। अंकल आपने कितनी इयररिंग्स चुराई थी अपनी भाभी की, ओ माय गॉड, चोर अंकल प्लीज एंट्री करवाएं अपने यहाँ पर। तो गौर से सुन लिया आप लोगों ने, ये किसको बोल रही है? चोर अंकल, अंकल जी, अपने खुद के जेठ खालिद अमीन को कह रही है ये। और भी बहुत कुछ कहा था, थोड़ा सी और सुनिए, ताकि इसकी असल औकात ना आप लोगों को पता चले। ये सोचती है पुराना जो मैंने गंद किया हुआ है ना, वो सारे भूल गए, अब मैं अपने आप को अच्छा बताऊंगी तो पब्लिक मुझे अच्छा ही समझेंगी। दो नंबर का जेली इंसान दाढ़ी रखवा के, मैं तो कहती हूँ दाढ़ी अपनी कटवा के आया करो, किस मुंह से तुम यहाँ पर आते हो? मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा, मेरे बर्दाश्त का ना तुमने बहुत ज्यादा फायदा उठाया, तुमने किसके मेरे खानदान में किस किसके साथ मेरे खानदान किसने मिलकर मेरा तमाशा नहीं बनाया, तो मैं सौदे से घसीट के यहाँ पर लाऊंगी, यहाँ पर तुम जेल में तड़पते रहोगे, तो तुमने मेरे बच्चों का डीएनए मांगा, मेरे दिमाग में घूम रही है ये बात, तुम याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। बिल्कुल, इसकी हिम्मत कैसे हुई है, इसकी जरूरत कैसे मेरे बच्चों का डीएनए मांगेगी, तुम होते कौन हो? एक बात तो बताएं, इसकी बीवी पाकिस्तान डीएनए मेरा हस्बैंड मुझसे मांगेगा, तुम कौन होते हो डीएनए मांगने वाले? सिद्धार्थ सिस्टर, इसकी बीवी पाकिस्तान होती है या सऊदी होती है? इसकी बीवी कितने सालों से घर है, तुम्हें अपनी बीवी का पता नहीं है? तो फिर तो इसका डीएनए कहां रहती है? इसके कोई फ्लाइट में नहीं आएगा, कोई फ्लाइट में नहीं आएगा, और उनके साथ वासी बता चेयर के बैठे हैं वहां पे, गुल चले उड़ा रहे हैं। इस जाहिल इंसान, घटिया इंसान को अपनी बीवी का नहीं पता, कितने सालों से वो अकेली घर में रहती है, और वो क्या करती है पीछे, तुम्हें पता है? घटिया इंसान, जाहिल इंसान, तुमने मेरे बच्चों का डीएनए मांगा, मैं जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगी। अब आगे आप लोगों ने अभी तो बहुत थोड़ी सी चीजें दी हूँ। जब खालिद अमीन आया था फिर इस लाइव में, तो इसने उसको गंदी गंदी गालियां दी थी, उसकी बहुत बेइज्जती की थी, अपने पूरे खानदान वालों की बेइज्जती की थी। और जब मरियल फसादन है, जो कुछ टाइम की मुझे लगता है जिंदगी है उसकी, क्योंकि फसादन सेम टू सेम सितारा बनना चाहती है ना इसके लिए, तो उसकी लाइफ में गया था, वहां पे भी आप सभी ने देखा होगा ना कि कितनी बेइज्जती की थी। तो ये इसकी माँ ने इसको तरबियत दी है बड़ों से ऐसे बात करने का, लेकिन कल के वीडियो में देखो कि मतलब चुप रहना चाहिए, मैं सब बर्दाश्त करती हूँ, मेरा इखलाक बहुत अच्छा है। अम्मा ने कहा खाट के नीचे देख लिया ना मुझे, तो अब किसी को बताना नहीं, तो ये खाट के नीचे देखी हुई बात घर में नहीं बताई, वाईटी पे आके बताई, उसके घर पे मेहमान जाते हैं ना, तो ये वहां पे इज्जत करती है उनकी, लेकिन वाईटी पे आके बेइज्जती करती है, मतलब घर में 4 से 5 के बीच में बेइज्जती नहीं करती है, 8 लाख लोगों के बीच में बैठ के बेइज्जती करती है, और फिर कहती है मेरा 1 लाख ऐसा है कि मैं मरूंगी ना तो लोग मुझे याद रखेंगे, लख लानत है तेरे ऊपर। तो बस मैं वही अपने हस्बैंड की बात बताने आती थी ना, कि मैं किसी के कैरेक्टर पे ये बोलना चाहती थी, फलां कैरेक्टर ये फलां का ये है, जो मेरे हस्बैंड की साजिश है शादी की, उसका कैरेक्टर ये, मैंने कभी किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं की, अपने हस्बैंड की बात करती थी, उनकी वजह से मेरा दिल दुखा था, तो मैं जो भी बात करती थी उन पे करती थी, और अगर उनकी वाइफ पे भी करती थी तो उसी वजह से भी दिल दुखा था, क्योंकि उसकी शादी से पहले मैंने उसको एक ऐसे रिश्ते से एक्सेप्ट किया था कि वो मेरे साथ रहेगी, मैं इस तरीके से उसको रखूंगी कि मेरे बच्चों को ये लगे कि हाँ ये हमारे घर का हिस्सा है, कभी फील नहीं कराने दूंगी, एक ऐसा रिश्ता था। आराम से बात करो, तुम्हारे अब्दुल्ला का डीएनए बनवा के फलाना, तुम्हारे अब्दुल्ला का कोई बोले कि फलाना तुम्हारे अब्दुल्ला का बाप है, फिर मैं बोलती हूं तुम्हारी ज़बान आराम से चलती है, तेज चलती है।
देखो आप बोल रही हो ना, अभी अभी देखो सुनो, तो ये डीएनए वाली बात जो थी वो किया किसी और ने था, लेकिन इतने सारा के सारा गुस्सा किस पे निकाला था, खालिद भाई पे। और ये जो इसने अभी जो कहा है कि मैं पहले भी चुप रहती थी, मैं अब भी चुप रहती हूँ, मैं बर्दाश्त करती थी, मैं अब भी बर्दाश्त करती हूँ, मेरे पे जुलूम हुआ है, तो उसका प्रूफ आप लोगों ने देख लिया कि ये कितना बर्दाश्त करती है और कितना इसके ऊपर जुलूम हुआ है और इसने कितना जुलूम किए, देख लिया ये किस तरह से बड़ों के साथ में बात करती है और इसकी माँ ने इसको क्या तरबियत दी है, ये भी देख लिया आप लोगों ने। और रही बात कौशर वाली, के कौशर को ये कहती थी, कौशर इसके साथ में नहीं रहना चाहती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की बातें लेकर आती थी, खानदान की कभी कोई बात नहीं लाई, तो वो भी आप लोगों को पता ही है, टाइम टाइम पे मैं वीडियो में बताती रहती हूँ कौन से रिश्तेदार के लिए क्या गेम करती है, क्या उनको खड्डे में ढकेलती है, कैसे कैसे उनको तकलीफ देती है, कैसे कैसे उनके हस्बैंडों के साथ में सो सो के उनके घर खराब करती है, ये सारे प्रूफ तो हमने दे ही चुके। रही बात ये वाली खालिद भाई वाली, इसने इतनी बेइज्जती करी थी, इतनी बेइज्जती करी थी कि जैसे जो कर रहा है ना उसी को डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन सितारा डूब के नहीं मरी, क्योंकि सितारा का इखलाक पूरे खानदान में ऐसा ही है, वो हर किसी को इसी तरह से जवाब देती है, गाली गलौज करती है, हाथ उठाती है बड़ों पे, मारती है बड़ों को, इसके लिए पूरा खानदान ये गंदी नाली की कीड़ी से दूर रहता है। मेन क्यों इसकी चलती है, क्यों लोग इसको कोई, क्योंकि इसकी आदत ही गंदी है, इसकी माँ ने इसको यही सिखाई है कि इस तरह से बेइज्जती करने का, झूठे झूठे इल्जाम लगा के ब्लैकमेल करने का और अपनी गंदगी के काम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहने का, ये इसकी माँ ने सिखाई है, इसके लिए ये इतना ज्यादा करती है बदतमीजी और गुंडागर्दी। और ये कह रही है कि मैं बर्दाश्त करती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देती, किसी को फील नहीं होने देती, मैं हंस के बात कर लेती हूँ। सुन लिया आप लोगों ने इसकी औकात क्या थी और ये बनती क्या है। अजय एक मिनट, आप बात करोगे या सितारा, एक बता दो मुझे। नहीं, आप भी इसको जवाब दे सकते हैं ना, आप नहीं दे सकते, ये बहुत बहुत बातें घुमाता है ना, इसकी कोई प्रॉब्लम मुझे आपसे नहीं है, आप जी को नहीं, देखो आप दोनों जवाब दो मुझे, बेशक कोई बात नहीं है, आप मुझे दोनों जवाब दो, लेकिन एक एक करके दो, बातें मिक्स नहीं करनी, ठीक है मैं दे रही हूँ, ठीक है? मैं अच्छा देना अच्छा नहीं। आप लोगों ने कि खालिद भाई ने उस लाइव में कहा था दोनों में से एक जवाब दो या एक एक करके दो, तो कह रही है रहने दो साजी, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, मैं जवाब खुद ही देती हूँ इसको, आप नहीं दे पाओगे, ठीक है आप चुप रहिए, मैं कहती हूँ इसको, मैं जवाब देती हूँ। और ये कहती है कि मैं बर्दाश्त करती हूँ, मैं हर एक चीज को छुपा लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा इखलाक बहुत अच्छा है, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती। जो औरत ऐसी होती है ना, जैसी सितारा ने लाइवों में आ के अपनी असलियत बताई है ना, जो औरतें ऐसी होती है ना, उनके आदमियों को चुप ही रखा जाता है, वो खुद चुप रखती है, क्योंकि आदमी को भी पता है, खानदान वालों को भी पता है कि बोलेंगी कौन सितारा। इसके लिए साजिद को चुप कराया गया, और ये क्या बोलती थी, साजिद की चलती है, साजिद सबकी सुनता है, साजिद मुझे चुप करवाता है, साजिद मुझे कभी बोलने नहीं देता। असलियत इसने आके खुद अपनी बताई है लाइवे कर करके ना, इसने अपने अंदर की जो असली सितारा है ना वो लोगों को बताई है, उसके वजह से इसके व्यूज गिरे, उसके वजह से इसका चैनल डाउन हुआ है। इसके लिए अभी लोग हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कहते हैं कि लाइवे बंद करो, हमारी सपोर्टे मत करो, क्योंकि इनको कोई टट्टी भी मुंह पे डाल के जाएंगा ना चलेगा, लेकिन इनको डॉलर आने चाहिए जो नहीं आ रहे, अब पहले के जैसे डॉलर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, सितारा ने खुद अपनी औकात अपनी असलियत लाइवों में आके पब्लिक को बताई है, जो हम बताते थे ना कि सितारा इस कैरेक्टर की, इस इखलाक की औरत है, तो लोग यकीन नहीं करते थे, जब सितारा ने आके अपना इखलाक अपनी तरबियत खुद बताई ना, तब पब्लिक ने यकीन की है और इसको जूते फेंक फेंक के मारी है, तो ये है इसकी असलियत। यही बात कौसर की, के ये बोल रही थी ना अभी उसमें के कौसर के वजह से मैं बोलती थी, कौसर मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, मैंने सोचा था हम मिलजुल के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके ऊपर फिर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह,
अभी तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी पब्लिक तो खुद देख रही है कि कौसर की कितनी चलती थी और कितनी ज्यादा मोहब्बत है कौसर से साजिद को। जिस तरह से उसने कौसर को एक कोने में फेंका हुआ है, उससे खुद ही पता चल जाता है कि घर में किसकी चलती है, साजिद किसकी सुनता है, कौसर ने तकलीफ दी है या सितारा ने कौसर को तकलीफ दी है। तो ये चीजें तो आज पब्लिक के सामने है, तो इस बात का तो ये कह ही नहीं सकती है कि कौसर ने मुझे तकलीफ दी है ना। जो इसने इतना झूठ फैलाई थी, रायता फैलाई थी ना कि कौसर गंदी है, कौसर बुरी है, जिसको अभी आगे जाके और हाईलाइट करना चाहती है, तो सभी देख रहे हैं कि कौसर बुरी है या सितारा बुरी है। अगर कौसर इसके जैसी डायन होती ना, तो आज साजिद कौसर की भी बराबर केयर करता ना, कि इसके पीछे कुत्ते की तरह दूं मिलाता फिरता। तो कौसर के लिए मैं अलग से फिर एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।